कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुमान में रखे। काफ़ी देर के बाद हमारी मुलाकात हो रही है चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई मज़ेदार सी। ये स्पेशल है, मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। इसको मैंने दरमियान से कटिंग किया है इसकी, और छोटे छोटे कट्स जो हैं इसके ऊपर लगा लिए हैं। इसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार करना है। धनिया पाउडर को पीस लिया है, हल्दी पाउडर, सूखी मिर्चें कुटी हुई, नमक 1/2 चम्मच है इसमें, सूखी मिर्चें पाउडर और लेमन 1 अदद, और इसके साथ इसमें जाएगी अजवाइन 2 चुटकी, और लहसुन और अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच। इसके साथ में इसमें शामिल करूँ सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर और सिरका जाएगा। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच भर के, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच इसमें जाएंगे बेसन के, और कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के, या 2 चम्मच भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये इतनी मज़े की बनने वाली है कि लोग फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे और खाएंगे। सर्दियों की तो ये मरगूब गिज़ाए, बच्चों बड़ों सबको ये पसंद आती है, ठीक है। इसके बाद हमने शामिल करना है इसमें सोया सॉस 2 चम्मच, सिरका इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के, साथ इसमें स्पाइसेस जो हैं वो सारे ऐड कर लेने हमने। धनिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें 1 अदद लेमन जाएगा, और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को हमने पतला नहीं करना, इसको हमने गाढ़ा रखना है, और इसको मछली के ऊपर हम फैला लेंगे अच्छे तरीके से। जो कट्स लगाए हैं उसको पहले हमने फिल कर लेना है। इसके बाद इसमें मछली के अंदर मसाला जाएगा। इसके बाद हम मसाला इसमें लगाएंगे अंदर वाली साइड पे। अच्छे से मसाला कोट करने के बाद हमने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है, या ओवरनाइट भी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इतनी इंतहाई लजीज बननी है ये, आपने ट्राई ज़रूर करनी है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, जो वाकई हकीकत में लजीज है, ये झूठी बात नहीं है। ओवरनाइट हम इसे छोड़ेंगे, और नमक आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, इसमें नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। ऐसे इसकी दूसरी साइड पे भी मसाले को लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और घी को हमने गर्म किया, इसमें हम मछली रखते हैं, उसको अच्छे से फ्राई करते हैं 10 मिनट के लिए एक साइड से, और 10 मिनट दूसरी साइड से। देखिए माशाल्लाह से एक साइड तो इसकी पक चुकी है, दूसरी साइड को भी ऐसे ही पका लेना है हमने, बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। ये टूट तो जाएगी, लेकिन आपने ध्यान से इसको पलटना है। कढ़ाई मेरी थोड़ी सी छोटी है, इसलिए पीसेस बड़े हैं, ठीक है। देखें तैयार होके माशाल्लाह इसकी लुक देखो, इसका टेस्ट इंतहाई ज़बरदस्त है। लेमन निचोड़ के आप खाएं, एंजॉय करें, और बच्चों को तो सर्दियों में लाजमी बना कर दें, ठीक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और मुझे बताने कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना है, कॉमेंट्स में मुझे बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।